गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर थर्ड चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव रेड रोड सेफ्टी। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर थर्ड। ओके, सो आवर टॉपिक इज सेफ्टी फ्रॉम फायर ऑन पेज नंबर 28। सो चिल्ड्रन, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम रोड सेफ्टी रख सकते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, इसी तरह से हम जो फायर होती है उससे किस तरह से बच सकते हैं और हमें किस तरह की सेफ्टी रखना चाहिए। सो फायर्स एट होम्स कैन बी कॉज्ड बाय, कई बार क्या होता है कि जो हमारा घर होता है उसमें भी फायर कैच कर सकते हैं, वहाँ भी फायर कैच कर सकते हैं। कई सारे रीजंस होते हैं कि जिससे क्या होता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं वो फायर कैच कर लेते हैं, या फिर अगर आपने कोई केयरलेसनेस की है किचन में तो वहाँ भी आग लगने का खतरा रहता है। सो किस वजह से होता है जो घरों में आग लग जाती है, देखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनमें अगर कोई कमी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी इजीली फायर कैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ केयरलेसनेस व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक्स कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स। ओके, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई माचिस जला रहे हैं या कोई कैंडल जला रहे हैं या फिर जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं, अगर हम उनको बर्न करते वक्त केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, तो वो भी एक बड़ी फायर का रीज़न हो सकते हैं। ओके, एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग एंड गैस लीक्स इन द किचन, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या फिर जो सिलेंडर होता है वहाँ से अगर गैस लीक हो रही है तो वो भी इजीली फायर कैच कर सकते हैं। ओके, सो इन सब से बचने के लिए कई सारी ऐसी प्रोटेक्शंस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ओके, सो पेज नंबर 29, फायर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। ओके, जो आग होती है वो उससे बचने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और ब्रेक्स इन इट्स प्लास्टिक कवरिंग। कई बार क्या होता है, आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उन पे अगर उनमें कोई डैमेज हो जाता है या फिर उनमें कोई फॉल्ट है या फिर वो बीच से टूट जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होगी तो उसमें भी आग लगने का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि रेगुलरली जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, और आपने देखा भी होगा आपके होम पर कि जो हमारे फादर्स होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, वो कई बार देखते रहते हैं जो सॉकेट्स होते हैं उन्हें चेक करते हैं, वायर्स चेक करते हैं। ओके, कि सब ठीक है क्या। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है हमारे घरों की उसको चेक करना चाहिए कि कहीं से वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है। क्या चीज़, जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो चेक करना चाहिए कि वो कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रही है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ मल्टीपल अप्लायंसेस शुड नॉट बी इंसर्टेड इनटू वन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। जो एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है उसमें कई सारे प्लग जो हैं वो एक साथ नहीं लगाने चाहिए। ओके, यानी एक ही इलेक्ट्रिकल सॉकेट में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपने प्रेस का भी उसी में लगा दिया, आपने किसी और चीज़ का भी उसी में ही लगा दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एल्स द सॉकेट कैन बिकम वेरी हॉट एंड कैच फायर। तो सॉकेट जो है वो बहुत ज़्यादा, जब उसमें से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो क्या होगा, वो बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा और बहुत चांसेस रहते हैं कि वो आग पकड़ ले। ओके, स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स कैंडल्स एंड दियास।
हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई फायर क्रैकर्स जला रहे होते हैं, कैंडल्स जला रहे होते हैं, या फिर दिया जो होते हैं वो जब हम जला रहे होते हों, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं कोई आसपास कोई क्लोथ ना हो, या फिर हमें अपने खुद के जो क्लोथ्स होते हैं जो हमने वियर कर रखे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसने तो कहीं से कोई फायर नहीं पकड़ ली है, ठीक है। तो हमें इन सबको यूज़ करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ अ गैस लीक, ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़, डू नॉट स्विच ऑन एनी इलेक्ट्रिकल स्विच और यूज़ ए मैच स्टिक। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके घरों में जो सिलेंडर होता है उससे अगर गैस लीक हो रही है, तो हमें फ़ौरन क्या कर देना चाहिए, जितने भी डोर्स और विंडोज़ होती हैं उन सबको ओपन कर देना चाहिए ताकि जो गैस है वो बाहर चली जाए, ओके। और कभी भी वहाँ पर कोई भी माचिस नहीं जलानी, माचिस या जो लाइटर होता है वो नहीं जलाना चाहिए, और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपके किचन में गैस लीक हो रही है, तो हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए, जितने भी विंडोज़ और डोर्स होते हैं उन्हें ओपन कर देना चाहिए, और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं ऑन करना चाहिए, और ना ही कोई मैच स्टिक माचिस जलानी चाहिए। अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब देखिए, अगर कभी आग लग जाती है तो आप उसको किस तरह से बुझा सकते हैं। इन केस ऑफ ए मेजर फायर एग्जाम्पल दैट इन ए बिल्डिंग, अगर मान लीजिए कोई बड़े लेवल पे आग लगती है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई, डायल 101 और द नियरेस्ट फायर स्टेशन। या तो आप को क्या डायल करना है, 101 पे आप कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं, या फिर आपके अगर पास में ही कोई फायर स्टेशन है तो आप फ़ौरन वहाँ से किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। स्मॉलर फायर्स कैन बी पुट आउट यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। और जो छोटी मोटी आग अगर लगती है तो आप खुद भी उसको क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो, किसकी हेल्प से, फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। फायर्स कॉज्ड ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स आर नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर। देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि जो आग लगी है वो किसकी वजह से है, किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से, यानी इलेक्ट्रिसिटी में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर उसकी वजह से आग लगती है, ठीक है, तो आप कभी भी उसे पानी से नहीं बुझाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू वाटर एंड गिव अ शॉक, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजीली कंडक्ट हो सकती है, पास हो सकती है, और क्या होगा, जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है उससे उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। सच फायर्स आर पुट आउट यूजिंग सैंड और अ फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह की जो आग लगती है वो किससे बुझाई जाती है, या तो आप उस पर सैंड डालिए, मिट्टी या रेत डाल दीजिए, या फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से उसको पुट आउट कर सकते हो, बुझा सकते हो। नेक्स्ट इज इन केस अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के या किसी के भी कपड़ों में आग लगती है, या फिर किसी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, रोल हिम और हर ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम्स एंड पोर वाटर। तो हमें जल्दी क्या कर देना चाहिए कि उसे ज़मीन जो होती है उस पर उसे रोल करना चाहिए ताकि जो आग है वो इजीली ज़मीन से टकरा कर बुझ जाए, या और उस पर जल्दी पानी पोर करना चाहिए, वाटर पोर करना चाहिए, पानी उढ़ेलना चाहिए, ठीक है। सो इन केसेस में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि ऐसा कुछ केयरलेसनेस हमसे हो ही ना जिससे कि कोई भी चीज़ फायर कैच करे। बट फिर भी इन केसेस कभी ऐसा हो जाता है तो हमें बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है और जो आपको बताए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करना है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है।